नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। दिल्ली में सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार देर रात तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान हाथों में बैनर लिए एकत्रित हुए शिक्षकों ने दिल्ली सरकार से अपने लिए न्याय मांगा है। दिल्ली के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठी महिलाएं शिक्षकों ने कहा है कि आज हम महिला शिक्षक होते हुए भी खुले आसमान के नीचे अनशन पर बैठे हुए हैं और केजरीवाल और यहां की शिक्षा मंत्री 500 मीटर की दूरी पर आराम से अपने कमरों में महलों में सो रहे हैं। हमें सैलरी नहीं मिली है। बीते 2 साल से हम इसे लेकर दिक्कतों का सामना करके जीवन यापन कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं इसे लेकर महिला टीचर क्या कहती नजर आ रही हैं। महिला शिक्षक होकर और आज सड़कों पर आधी रात को इस तरीके से बिना किसी छत के ठंड में ठिठुर रहे हैं और केजरीवाल और हमारी शिक्षा मंत्री यहां से 500 मीटर की दूरी पर अपनी चादर लिए आराम से अपने कमरों में महलों में सो रहे हैं। हमारे ना तो पास कोई सैलरी है 2 साल से। आप अपना घर एक बार चला के दिखाइए। बिना सैलरी के, बिना पैसों के मरने को मजबूर हो गए या किराए पे रहते हैं। ना किराया देने को हमारी कोई हैसियत रह गई है। हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हमारा कोर्ट ऑर्डर आया था कि TGT को आप PRT में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी भी अवहेलना करते हुए केजरीवाल जी इतने ज़्यादा डिक्टेटरशिप में आ गए हैं कि हमें TGT से PRT MCD में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्यों? ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि MCD में टीचरों की कमी नहीं है और सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन असलियत ये सब बिल्कुल भी नहीं है। इस सबके बिल्कुल उलट है। हम आज भी इतने त्रस्त है इस सरकार के महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाएं आधी रात को इस तरीके से बैठी है। ना कोई अधिकारी, ना सरकार की तरफ से हमारे पास कोई मिलने आया है और हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, जो लीगली चीजें हैं। ये सोचिए, अगर शिक्षक होकर और महिला होकर रात को अपने घर छोड़कर सड़क पर बैठे हैं तो वो कितनी मजबूर होकर बैठी है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है हमारी शिक्षा मंत्री से और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से कि कृपया करके अपने दिमाग का सुचारू रूप से उन्हें चलाए, हमारी मांगों को सुने और थोड़ा सा ध्यान देकर इस शिक्षा पर भी चुनावी माहौल से हटकर शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दें और हमारी बातों पर सुनवाई करें। धन्यवाद।